अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतिल क़द्र। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम कायनात का खालिक, मालिक, मुरब्बी, पालनहार, मुश्किल कुशा, हाजत रवा है। बादहु दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहि सलातु व सलाम पर, बिलअमूम और बिलखुसूस अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, आज 23वीं शब है, 23वीं ताखरात है और 2021 का रमज़ान हमसे जाने वाला है। अल्लाह ताला हम तमाम को बचे कुचे दिनों में कसरत से इबादतें करने की तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को खालिस दिल से नेकी करने की तौफीक अदा फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को इस वबा से, इस कोविड-19 जो वबा फैले हुई है, इस वबा से तमाम इंसानियत को महफूज रखे। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने रहमत व फ़ज़ल व करम में ले ले और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह ताला हमारे छोटे मोटे नेकियों को कबूल फरमा, क्योंकि ये रमज़ान बस जाने ही वाला है। नहीं मालूम वो भाई, वो दोस्त, वो साथी, या वो पड़ोसी, या वो उस्ताद, या वो आलिम जो हमारे साथ गुज़िश्ता साल थे, जो साल बीत चुका, जो साल चला गया, इस साल नहीं है, जो भाई, जो साथी, जो इंसान कल पल भर में था आज पल भर में नहीं है, तो हमें भी चाहिए हम हर एक के साथ अच्छे मामलात करें, हुस्न ज़न से पेश आएँ, अपने अखलाक का मुजाहरा करें और लोगों के साथ हुस्न ज़नी का मामला करें, अच्छे ताल्लुकात बनाएं। दुश्मनी मोल के क्या फ़ायदा, चंद दिन की ज़िंदगी है, हंसते रहें, खेलते रहें इसी तरह, और अल्लाह को याद करते रहें मुसीबत में, तकलीफ़ में, हर वक्त अल्लाह ही साथ देने वाला है, उस सहारे के अलावा कोई और सहारा नहीं है। अब रही दूसरी बात, इस कोविड-19 के दौर में पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमा का भी हम शुक्र गुज़ार हैं जिन्होंने इस बीमारी के दौर में हमें अपने आप को नुकसान में डालकर पब्लिक की सेवा, पब्लिक की मदद करना, पब्लिक की हेल्प, पब्लिक को गाइड करना, ये बहुत बड़ा रोल है पुलिस वालों का, पुलिस वाले डिपार्टमेंट का। हम शुक्रगुजार हैं पुलिस वालों के और हमें भी चाहिए पुलिस वालों के साथ अच्छा रवैया करें, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ। हम आगे वालों को अच्छे अखलाक बताएँगे तो शायद अल्लाह ताला चाहे तो उनके दिल में हमारे लिए प्यार मोहब्बत डाल देगा, नरमी डाल देगा। तो हमें चाहिए तो हम आगे वाले भाइयों से नरमी से पेश आएँ। तीसरी बात ये रही कि हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के, डॉक्टर्स के, इस बीमारी के दौर में डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर मरीजों को बचाने के चक्कर में हैं और बचा भी रहे हैं। किसी की जान चलेगी वो अल्लाह के हाथ में है। हमें इस बीमारी के दौर में सेफ़ रहना है, खुद सेफ़ रहें, अपने आप को सेफ़ रखें, फैमिली को सेफ़ रखें और जो गवर्नमेंट के जो जियो पास हुआ है उस जियो के हिसाब से जो खवानीन हम पर लागू किए गए हैं उन खवानीन पर अमल करते हुए हम अपने आप को सेफ़ रखें। ज़्यादातर घर में रहें, बिला वजह घर के बाहर ना निकलें बेहतर है। अगर कुछ मजबूरी है, इमरजेंसी है तो घर के बाहर निकलें, वरना मत निकलिए, घर में रहें, रहना ही अपने लिए बेहतर है। सेहत है तो हर चीज़ है,
लाखों की दौलत रख के फ़ायदा नहीं है अगर सेहत नहीं है। सेहत है तो अल्लाह कल की दौलत दे सकता है, लेकिन सेहत नहीं है तो कोई चीज़ बेकार है। पेपर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक पेपर्स, न्यूज़ वालों का हम भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जो आवाम को वक्तन फवक्तन आगाह किया, हर लोगों को गाइड करते रहे, आगाह करते रहे, हर खबर से आशना करते रहे। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। अस्सलामु अलैकुम।